वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि बहुत सारा रिक्वेस्ट आया कि रीजनिंग के क्वेश्चन आप वीडियो बनाइए, रीजनिंग के क्वेश्चन जो 5 अगस्त को पेपर हुआ था सीजीएल का, तो हमने रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन उठाकर आपको इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कि क्या क्या पूछा गया है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि हमारी जितनी भी पॉलिटी की वीडियो है, क्वेश्चन वहीं से है। आप देख लीजिए, डायरेक्ट पूरी क्वेश्चन पढ़ी, पॉलिटी का वीडियो देखिए, और 7-8 पॉलिटी का वीडियो है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी से पूछे गए हैं। हिस्ट्री के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो बहुत कम पूछे गए हैं। बाकी आप करंट अफेयर्स और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के नाम से होगा, ज्योग्राफी प्लेलिस्ट, हिस्ट्री प्लेलिस्ट और अदर प्लेलिस्ट। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन मिला होगा, या आप पेपर देकर आए हैं तो आपको भी जरूर पता होगा कि ये क्वेश्चन था। PRABA, इसको एक कूट भाषा में अगर 27595, ठीक है, अगर लिखा हुआ है, THILAK थिलक को अगर 368451 लिखा हुआ है, तो पूछा जा रहा है कि BHARATI का कोड क्या होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, इसको आप लोग करने से पहले क्या कीजिएगा कि P की वैल्यू कितनी है। P को इसमें क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए P है 2, ठीक है। उसके बाद देखिए R कितना है, R है आपका 7। उसके बाद देखिए A कितना है, A है 5, ठीक है। B कितना है, 9, ठीक है। A देखिए, A हमने 5 एक बार ले लिया, अब हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसमें से देखते हैं T कितना है, T है हमारा 3। उसके बाद H, H है हमारा कितना, 6। I हमारा कितना है, I है हमारा 8। उसके बाद L, ठीक है, L हमारा कितना है, 4, ठीक है। और इसके बाद A हम ले चुके हैं, K जो है वो कितना है, 1, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास सारा कोड आ चुका है जो इसमें कॉमन है। अब आपसे पूछा जा रहा है B, तो B के लिए क्या है आपका, सीधा आंसर होगा पहला 9। उसके बाद H, H का होगा 6, उस 6। उसके बाद A, A का आपको पता है 5 है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है R, R के लिए 7 है। उसके बाद पूछा जा रहा है आपको फिर A, यानी फिर 5 है, ठीक है। उसका T है 3 है, और जो I है उसके लिए पूछा जा रहा है 8। तो ये वाला जो है कोड, ये आपका परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसी को। ठीक, जो ये टेबल हमने अभी क्रिएट किया ना, इसी टेबल के ठीक टाइप से टेबल दे रखी है उन्होंने ऐसे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लेटर्स दे रखा है एक में और नंबर्स दे रखे हैं एक में, ठीक है। तो ये L के लिए कोडिंग कर रखी है, P के लिए, M के लिए, और इसमें पूछ रहे हैं MDFHLTR, इसको क्या लिखेंगे। तो M हो गया 9, D हो गया 1, F हो गया 7, ठीक है, H हो गया 5, L हो गया आपका 3, T हो गया आपका 0, R हो गया आपका 2। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। फटाफट करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया, आपने अगर हमारी ट्रिक्स नहीं देखी है तो ट्रायंगल की ट्रिक्स और ये क्वेश्चन छोड़ के आ गए, तो आपने बहुत बड़ी गलती की। आप हमारा ट्रायंगल्स का वीडियो देखते हैं, हमने आपको ट्रायंगल के लिए वीडियो प्रोवाइड कराया हुआ है। आपको इस वीडियो के, आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर लिंक मिल रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको वीडियो मिलेगा, आप उसमें ट्रायंगल की ट्रिक समझ लीजिए। अगर आप पेपर दे चुके हैं तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका पेपर आने वाला है तो आप इस ट्रायंगल के ट्रिक्स को समझ लीजिए, बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए ये दो रेक्टेंगल है, इसके अंदर ट्रायंगल बने हुए हैं, ठीक है। इनमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बतानी है कितनी है। पहले इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, देखिए दो पार्ट में मैंने किया हुआ है, पहले स्प्लिट कर लेते हैं। जो हमारा ट्रिक है कि अब हम इस वाले वीडियो में देखते हैं, इस वाले पार्ट्स में देखते हैं, इस वाले जो पार्ट्स में है इसमें हम देखते हैं ऐसे किया हुआ है उन्होंने और ऐसे किया हुआ है। जब आप किसी रेक्टेंगल को इस तरह से डायगोनल क्रॉस करके अगर उसका कॉर्नर मिला लेते हो, तो आपको इसमें कितने ट्रायंगल बनते हैं मैं बताता हूँ, 1, 2, 3, 4। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 4 × 2 से, ठीक है। तो इस वाले में 8 बन गए, नोट कर लीजिए। अब देखिए उन्होंने क्या किया है कि इस वाले ट्रायंगल्स में एक लाइन खींचिए। तो नॉर्मली जब हमारे पास एक ट्रायंगल होता है और हम इसमें ऐसे खींच देते हैं एक लाइन, ठीक है, देखिए हमारे पास ये एक ट्रायंगल होता है और हम अगर इसमें एक लाइन खींचते हैं, तो एक ट्रायंगल पहले ऐसे था, इसके अंदर हमने ये लाइन खींची, तो इसमें बन जाते हैं टोटल ट्रायंगल 3, यानी 1+2, ठीक है। दो बाद में बनते हैं, एक पहले से रहते हैं, ठीक है।
इसी वाले ट्रिक को यूज करेंगे, क्योंकि देखिए अब इसमें से हमने पहले वाले को तो काउंट किया हुआ है, तो सिर्फ लाइन खींचेंगे तो सिर्फ बाद में दो बने, ठीक है। तो 8 + 2 हो गए इस वाले में। अब ध्यान दीजिए कि इन्होंने अब इस वाले में क्या किया है, इस वाले में क्या है, एक बीच से ऐसे लाइन की है, दो ट्रायंगल तो यहाँ भी बन गए, आप नोट कर लीजिए। अब इस वाले ट्रायंगल को इन्होंने ऐसे किया, तो अब दो ट्रायंगल और बने, ठीक है। तो और लिख लीजिए कितने हो गए, 8 × 2 = 10, 2 × 12 = 14 हो गए, ठीक है। टोटल अभी 14 हुए हैं लेकिन अभी खत्म नहीं। देखिए अब दोनों क्या हुआ है, ये अब पहले तो हमने बोला कि अलग अलग था, ये अलग किया हमने, ये अलग किया, लेकिन अब दोनों को इन्होंने सटा दिया। जब दोनों आपस में जुड़ गए हैं तो ध्यान से देखिए, ये एक बड़ा वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। तो प्लस एक और हो गया, टोटल बनते हैं 15, ठीक है। ऑप्शन में था 15 और मोर, तो आप 15 वाले पे टिक करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, ये सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। इसमें देख लिया आपने 8 × 2 = 10 = 12 = 14 = 1 = 15, टोटल 15, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये ब्लैंक के लिए पूछा गया है कि A-C-A-B-B-A-B-C-B-C-A-B, तो ये टोटल 18 है, हमने इसको काउंट कर लिया, टोटल 18 है, 18 है। तो इसको हमने जो इसकी हम ट्रिक्स अभी बनाने वाले हैं, थोड़े दिन में हम आपको वीडियो उपलब्ध करा देंगे, ये जो कंप्लीशन सीरीज मिसिंग नंबर्स को फाइंड करने के लिए, मिसिंग कैरेक्टर के लिए जो सीरीज है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले इसको 9 से डिवाइड करने की कोशिश की, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, यहाँ पे स्प्लिट करेंगे, फिर यहाँ पे हमारा सीरीज नहीं बन रहा, ठीक है, देख रहे हैं उस हिसाब से तो नहीं बन रहा सीरीज। उसके बाद प्रॉब्लम आ रही है कि देखिए यहाँ पे आके जाके अटक जा रहा है, यहाँ बी है, यहाँ ए आ जा रहा है, तो ये सीरीज नहीं बन पा रही 9 पे। तो इसको हमने 6-6 पार्ट्स में बात की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पे, 6-6 पे स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर ए है, ठीक है, तो यहाँ पर जब ए है तो आप इसमें जब जाएंगे, इसमें ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ ए बी लास्ट में हो रहा है, यहाँ भी ए बी हो रहा है, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर है वो पता नहीं है, यहाँ भी पता नहीं है, लेकिन उससे पहले सी है, उससे पहले यहाँ भी सी है, उससे पहले बी है, यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पे बी कर देंगे, और यहाँ ए है तो यहाँ पे ए कर देंगे। देखिए अब A-B-C-A-B, ठीक है, यहाँ A-B-C-A-B, ठीक है। देखिए इसमें जो है सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि अब हम ऑप्शन में जाएंगे, देखिए ऑप्शन हमारे, अब हम कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, हमारा जो ब्लैंक स्पेस है वो बी से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन में हमारे पास अब जो बी से होगा उसको छोड़ के बाकी को कट कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें दोनों में बी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ बी है, अब देखो यहाँ और यहाँ दोनों ब्लैंक है, इसका मतलब है कि दोनों में सेम चीज होगा, ठीक है, दोनों ब्लैंक है और सेम सीरीज, क्योंकि सेम सीरीज वो कर रहा है A-B-C A-B-C, अब यहाँ जो होगा वो इसमें भी, इस दोनों में होना चाहिए। तो कितने नंबर पे, यहाँ पे एक, दूसरे नंबर पे ब्लैंक स्पेस है, तो दूसरे नंबर का इसका ब्लैंक स्पेस, और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और छठा यानी जो लास्ट वाला है वो ब्लैंक स्पेस, दोनों सेम होना चाहिए। किसमें सेम आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो अगर अब इसको फिल कर देते हैं हम यहाँ पे, देखो पहला बी था वो मैच कर रहा है, दूसरा सी है, तो अब हम यहाँ पे सी करेंगे, उसके बाद जो आ गया है ये भी सी है, उसके बाद आगे हम करेंगे ए, और फिर ए ये हम कर चुके हैं, और ये सी, ठीक है। अब देखो अब अगर क्या, अब क्या हो रहा है इसमें कि अगर अब इस सीरीज को देखोगे तो एक तरह से ये कंप्लीट नजर आ रही है, मैं दिखा देता हूं आप लोग को, देखो A-B-B A-B-C-C-A-B A-B-C-C-A-B, जो ये फर्स्ट है और ये जो लास्ट है ये दोनों सेम है, और बीच में क्या हो रहा है B-C-A-A-B-C, तो ये रिपीट हो रही है, जो यहाँ सीरीज है ये लास्ट में आ रही है, फिर ये जो होगी इसके बाद आएगी, तो ये इस तरह से ऑप्शन जो होगा आपका ये होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए सेलेक्ट द ऑड लेटर, इसमें से ऑड निकालना है, ये पांचवा सवाल है। देखिए ये B-G-F-F-D-H-B-A-E और C-D, तो सबसे अगर ध्यान से देखिएगा तो ये ऑड है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यू आ रहा है, सी के बाद डी, डी के बाद ई, इनमें गैप आ रहा है सब में, ठीक है, तो ये वाला आंसर होगा। इसमें क्या करना है, ये किया गया है 4³ + 4, ठीक है, ये किया गया है 5³ + 5, और ये किया गया है 6³ + 6। तो अब आगे जो होगा, क्योंकि देखिए 4³ + 4 कितना होता है, 4 × 16 = 64, और प्लस 4 तो ये हो जाता है 68, ये होता है 5 × 25 = 125, और 5 = 130, ठीक है, ये होता है आपका
216 प्लस 6 222, तो अब यहाँ पे 7 का आएगा, 4 5 6 चल गया, 7 का चलेगा, तो 7 का जब चलेगा तो आएगा 343, 343 प्लस 7 यानी 350, तो इस वाले जगह पे 350 आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए फटाफट, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये 6 का स्क्वायर है प्लस 6 है, तो कितना हो गया, 36 और 6 ये 42 हो गया। इसको देख लेते हैं आगे, तो 7 7 49 प्लस 7, ठीक है, 49 प्लस 7 कितना होता है, 56, तो आपका ये 56 है, ये 42 है, बिल्कुल सीरीज को कंप्लीट कर रहा है 6 7। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि लास्ट में देख रहे हैं ये किसका है, इसको भी देखना जरूरी है, तो ये है 11 का, 11 का स्क्वायर प्लस 11 करते हैं तो 121 और प्लस 11 यानी 132, तो ये भी आपका मिल गया। तो बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ क्या है, 6 के बाद 7 है तो 11, तो 11 से पहले क्या होगा, 10 होना चाहिए, तो अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 10 करेंगे तो 110 आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला आंसर होगा 110। आगे देख लीजिए, इसके बाद पूछ रहे हैं कि आपको 6 है, उसके बाद 43 है और ये 5 है, ठीक है, 6 43 एंड 5 है, तो आगे क्या होगा, तो अब देख लीजिए कि 6 का 43 कैसे हो रहा है, 36 प्लस 7 43 हो गया, तो वैसे ही 5 से 25 प्लस 5, तो इसका जो आंसर होगा, नहीं 5 से 25 प्लस 6, यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 का स्क्वायर प्लस 7 हो रहा है, एक बढ़ा दिया जा रहा है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 होगा, तो 5 से 25 और 6 31, तो यहाँ पे जिनका आंसर 31 नहीं आया उनका गलत हो गया, जिनको आया है वो सही है। ठीक है, अब रवि, अब ये डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है कि रवि जो है पश्चिम की ओर से 40 पश्चिम की ओर 40 मीटर चलता है और बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, रवि जो है पश्चिम की ओर, सबसे पहले हमने क्या बताया, आप डायरेक्शन का क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, डायरेक्शन के लिए हमने बनाया हुआ, तो ये देखिए सबसे पहले नॉर्थ, ठीक है, इधर है आपका साउथ, इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट, ये डायरेक्शन सबसे पहले बना लीजिए। अब कह रहा है रवि जो है वो पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है, रवि का एक घर है यहाँ पर, यहाँ से पश्चिम की ओर चलता है, तो पश्चिम किधर है, इधर, कितना चलता है 30 मीटर, उस 40 मीटर सॉरी, उसके बाद कहता है कि बाएं मुड़ जाता है, बाएं उसका इधर होगा, बाएं मुड़ने का दिया 30 मीटर चलता है, ठीक है, यहाँ 40 यहाँ 30, अब कह रहा है कि यहाँ आने के बाद वो दाहिने मुड़ जाता है, अब उसका दाहिने इधर होगा, अब कह रहा है 20 मीटर चलता है, ठीक है, तो ये 20 मीटर चल गया। अब पूछ रहा है कि वह फिर से दाएं मुड़ जाता है, तो अब दाएं मुड़ता है और कितना चलता है 30, तो देखिए ये 30 है ये भी 30 है, तो यहाँ इसके ठीक सामने आएगा यहाँ, ठीक है, दाहिने मुड़ के इधर आ गया 30, तो अब पूछ रहा है कि अब वो प्रारंभिक बिंदु से, यहाँ से यहाँ प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो देखिए ये जो दूरी है ये कितनी है, ये 20, नीचे 20 है तो ऊपर भी 20 होगी, ठीक है, 40 और ये 20 दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया 60 मीटर, तो वो अपनी प्रारंभिक बिंदु यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर दूर है, ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। ए वाई दिया हुआ है, सी डब्ल्यू दिया, ई यू दिया हुआ है, नेक्स्ट पूछ रहे हैं, ठीक है, ए वाई ध्यान से देखिए, ए वाई में कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, इसमें आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, ठीक है, और फिर सी से अगर देखिएगा ई में तो प्लस 2 हो रहा है, तो फिर अगर ई से हम आगे प्लस 2 कर दें तो क्या होगा, फर्स्ट वाला लेटर हो जाएगा जी, उसके बाद ऐसे ही यू के साथ डब्ल्यू वाई के साथ देखिए इसमें क्या हो रहा है, माइनस 2 हो रहा है, डब्ल्यू एक्स वाई बीच में एक अगला जो है वो वाई, ठीक, तो डब्ल्यू देखिए यू बीच में भी यहाँ भी माइनस 2 हो रहा है, डब्ल्यू से माइनस 2 कर दें तो यू आ रहा है, यू से माइनस 2 कर देंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए क्या आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर, ठीक है, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए।